हेलो जी, राम राम सा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, कम्मा गणेशा ओकम। हम हैं जी राजस्थान से। मेरा नाम है कंचन कुमार। हम बना रहे हैं आज, हमारे राजस्थान में पाई जाती है केर। हम बना रहे केरा की सब्जी। हमने तैयारी कर ली है, हमने सिलाड़े पे पीस कूट लिया, थोड़ा बहुत लहसुन पीस लिया है इसके साथ। अब हम बना रहे चूल्हे पे केरा की सब्जी। तो गाइस, आपको कैसे लगे हमें भी कमेंट करके बताना, आपको हमारी सब्जी कैसी लगी। हम बना रहे केवी सब्जी। तो गाइस, हमने कर लिया क्योंकि चूल्हे पे सब्जी बनानी है, तो सबसे पहले हमें चूल्हे में आग जलानी पड़ती है, चूल्हा जलाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे छोला कढ़ाई लगा जला, दी है, वो कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल दिया हमने इसमें। चूल्हे थोड़े से अंधेरे में, तो हम आपको काफी कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। और हमने यहाँ पे इसकी तैयारी, अभी तेल गरम हो गया, तो हम जो भी आपकी इच्छा हो, राई जीरा, वो इसके अंदर तक डाल सकते हैं। हमने जीरा राई दोनों डाला है। और जीरा राई पकने के बाद में मैं डालूंगी इसके अंदर लहसुन। अभी पक रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जीरा जल जाने एकदम बढ़िया सा पक जाए, बंगार अच्छी आ जाएगी। जीरा अच्छे से जल जाए तो फिर अच्छी खुशबू आती है, नहीं तो कच्ची रह जाती है ना, तो तेल में एक देता है बस। ऑयल सी आ रही है, सब्जी अच्छी नहीं है। थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट लगता है जाने। और हमने ये सिलाड़ी पे पीस के रखा है क्योंकि हम मेंबर इतने ही है, तो सब्जी इतनी बनाएंगे। और सब्जी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है और सेहत के लिए भी अच्छी रहती है। बहुत गुणवत्ता सब्जी होती है, खाना चाहिए सभी को। कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं लगती इसमें, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। कड़वापन खत्म हो जाता है इनका थोड़ा सा, 2 4 दिन, 5 दिन। या तो नमक का पानी में रखो या राई, थोड़ा सा नमक डालो, राई पीस के राई का पानी में रख दो, बहुत अच्छी सब्जी होगी। 1 साल तक खराब नहीं होगा, खट्टी खटाई आ जाएगी इसमें थोड़ी सी, राई में बहुत अच्छी अच्छा होगा ये। और नमक का पानी बहुत महक देता है, लेकिन राई का पानी बिल्कुल ही एकदम अच्छी सी खुशबू आती है, एकदम महक नहीं देता है। तो मेरा जीरा पक गया गाइस, तो मैंने डाल दिया लहसुन। लहसुन थोड़ा काफ़ी बारीक नहीं पीसा है मैंने, क्योंकि इस सब्जी में लहसुन दिखना चाहिए तो भी सब्जी बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है, नहीं तो लहसुन नहीं दिखता है तो सब्जी भी अच्छी नहीं दिखती। अब मैंने डाल दिया इसमें तेल। अब आपको मेरे से पता नहीं आपको क्या मिलता है, हमारे यहाँ पे तो तेल बोलते हैं उनको। अब मैं इन तेल को 5 मिनट के लिए तेल में पकाऊंगी, 5 मिनट पकाऊंगी तेल में। धुआं हो रहा है चूल्हे पर बहुत, मैंने आज काफ़ी दिनों से, मैंने सोचा केर की सब्जी चूल्हे पर ही बनाएंगे, तो चूल्हा जलाया, धुआं भी बहुत खतरनाक वाला हो रहा है। अब मैं 5 मिनट इनको पकाऊंगी। तो गाइस, अब मेरे केयर को 5 मिनट हो गए हैं, केयर का कलर भी चेंज हो गया है एकदम, और पक भी रहे हैं। तो अब उसमें मसाला का टाइम हो, मसाला डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल रही हूँ मैं ये छोटी चम्मच है मेरे पास, गिर भी गई,
ये वाली तो मैं 2 चम्मच मिर्ची का, आप तेज खाते हो तो तेज डाल सकते हैं इसमें, मेरी आधी हो गई तो आधी वो डालती हूँ। और हल्दी थोड़ी सी हम तेज ही खाते हैं तो हमने 1 चम्मच डाली, आप आपके हिसाब के अनुसार डाल सकते हैं। और मैं धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच, मेरी चम्मच भर के नहीं आ रही है तो मैंने वापस थोड़ा सा लिया है। ये थोड़ा सा पानी भी इसमें डालना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा मसाला जलने का डर है, तो हम पानी डालेंगे इसके अंदर हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का सा डालेंगे जो हमारा मसाला भी भून जाएगा और पानी भी ज़्यादा नहीं लेगा। लेकिन सब्जी अच्छी बन के तैयार होगी, बिल्कुल भी खारी एकदम कड़वी नहीं होगी, ये एकदम मस्त सब्जी बन के तैयार होगी। हमने डाल दिया है मसाला, स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं इसमें क्योंकि नमक तो कम ही डालना चाहिए, इसके अंदर नमक होता है एडवांस। हमने तो राई का पानी में भिगो के रखा था इसके अंदर। हमने इसके अंदर मसाला डाल दिया जाए, अब मैं इसको मसाला को पकाऊंगी 5 मिनट और। मिनट के लिए मसाला पकाऊंगी बहुत अच्छे से, जैसे तेल तो पक गए तेल के अंदर, 5 मिनट और मसाला पका लेंगे तो हमारी सब्जी बहुत टेस्टी बन के तैयार होगी, मसाला अपना आप तेल छोड़ देंगे। जितनी देर में हम कर लेते बाकी की तैयारी, क्योंकि पहले के लोग ऐसे सब्जी बनाते थे तो कड़वी बिल्कुल नहीं लगती थी, तो हम डालेंगे इसके अंदर आपको बता रहे हैं। हमने लिया ये दही की लस्सी बनाई थी तो ये ली है हमने, 1 कप तो होगी होगी पक्का, इतनी सी लस्सी है 1 कप। जितनी आपकी मर्जी हो, आप सब्जी को खुला रखने से थोड़ी सी तरीदार खुली रखते हो या एकदम सूखी सूखी सब्जी पसंद करते हो, जैसे आप जितनी डालना चाहिए उतनी आपकी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। अब मैंने लिया है यहाँ पे बेसन, मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, बस इतना सा बेसन डालूंगी। इसको जैसे खड्डी बनाने के लिए मिक्स करते ना, इस तरीके से मैं मिक्स करूँगी बेसन को। थोड़ी सी सब्जी को भी ध्यान देने देते रहेंगे क्योंकि सब्जी जलने का डर है, चूल्हे पर है, गैस पर तो कम भी कर सकते हैं, चूल्हे पर तेज आग लग रही है, इसके चूल्हा तेज स्पीड में जल रहा है ना, इसलिए इतना तेज जल रहा है, तो ये संभालनी भी पड़ती है इसको क्योंकि मसाला जलने का बहुत डर होता है। अब मैं उसमें बेसन को मिक्स कर देती हूँ यहाँ पर, इसमें लस्सी में पहले से जीरा डाला हुआ था क्योंकि ये सुबह मैंने लस्सी बनाई थी सबके लिए पीने के लिए, तो थोड़ी सी बच गई, तो मैंने सोचा अच्छी होगी सब्जी दही की लस्सी बनी हुई है तो हम ये डाल देंगे। तो गाइस हमारी सब्जी का मसाला कम पक गया है क्योंकि इसमें तेल दिखने लग गया है, देख लो एकदम, तो हमारा मसाला तैयार है, सब्जी मसाला पक के तैयार है एकदम। अब हम डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि तेल तो पहले ही गले हुए हैं
और हम तेल में भून लिए 5 मिनट, 5 मिनट फिर मसाले में भून लिए, तो हमारी सब ये पक गई एकदम। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे ये हमने ये जो गोल बनाया ना बेसन का, ये इनको छोड़ना नहीं है गाइस, छोड़ने से फट सकती है सब्जी। हम एकदम सूखी सब्जी पसंद नहीं करते हमारे घर में, तो हम थोड़ी सी सब्जी ऐसी बनाएंगे जो हर कोई इंसान खा सकता है, जो पेड़ नहीं खा सकता वो ये सब्जी खा सकता है, ऐसी सब्जी बना के तैयार करेंगे हम, क्योंकि बच्चे लोगों को केर वगैरह पसंद नहीं होते तो केर कड़वे लगते थोड़े बहुत, वैसे तो ये कड़वे है भी नहीं लेकिन तो भी बच्चे कड़वे ऐसा सब्जी पसंद नहीं करते, तो वो थोड़ी सी खुली रहेंगे तो खा लेंगे। आजकल बच्चे भी वैसे ही परेशान होते हैं, बच्चे हर सब्जी को पसंद नहीं करते। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये सब्जी का कलर ऐसा है, घबराना नहीं बिल्कुल, ये सब्जी बहुत अच्छी से तैयार हो जाएगी। अभी थोड़ी देर में मसाला तेल छोड़ के एकदम अच्छे अंदर ये पड़ा है ना एकदम ठंडा था फ्रिज का, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ी देर में हो जाएगी ये एकदम अच्छे से। हम अधिकतर गाइस यही सब्जी पसंद करते हैं दोस्तों, हमारे सभी को यही सब्जी पसंद है फैमिली में। वैसे तो ये दही वगैरह ये मसाले के अंदर डाल के भी हो सकती है, बेसन नहीं डालते तो भी, लेकिन हम ये सब्जी पसंद करते हैं क्योंकि हमारे बच्चे ये सब्जी खाते हैं तो हम यही बनाते हैं। तो मेरे ये चूल्हा बहुत तेज स्पीड में जल रहा था, अब ये धुआं कर रहा है। अभी थोड़ी देर में पक के तैयार हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ठंडा था वो फ्रिज का दही, तो उसने एकदम सब्जी को ठंडी कर दी, गर्म होने में टाइम लगेगा भाई, थोड़ा बहुत गर्मी हो गई गाइस, हमें तो बहुत चूल्हे पे खाने सब्जी बनाने बहुत मेहनत की है। तो गाइस हमारी सब्जी बन के हो गई है तैयार, अब मैं आपको बता रही हूँ कैसी सब्जी बनी है। ये सब्जी हमारी बन के हो गई तैयार, तो कैसी लगी हमारी सब्जी बनाने का तरीका जरूर बताना गाइस। तो ठीक है, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।